फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सामिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू भिंडी की मज़ेदार रेसिपी। ये आलू भिंडी की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। भिंडी को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी को मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हम जितना अच्छे से फ्राई करेंगे भिंडी उतनी ही अच्छे से खिली खिली बनेगी, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। ये देखिए भिंडी कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। चलिए अब आलू भिंडी के सब्ज़ी बना लेते हैं। आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सेम कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने लंबे लच्छों में कट किया है। यहाँ हमें प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और प्याज भी थोड़ी लाल हो चुकी है। इस स्टेज पर 2 मीडियम साइज़ आलू ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। आलू को प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। इससे आलू बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए आलू कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ टमाटर बारीक काट कर ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमें 1 से 2 मिनट तक कुक करना है, जब तक कि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी है, इसे आप ज़रूर एक बार बनाएं और ढक कर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक कि भिंडी अच्छे से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए भिंडी कितनी अच्छे से कुक हो रही है। अभी पूरी तरह से कुक नहीं हुई है, इसे हम एक बार फिर से ढक कर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। इसे भिंडी कम्प्लीटली कुक हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने भिंडी को 2 बार ढक कर क्यों पकाया है, क्योंकि इससे भिंडी एकदम खिली खिली बनेगी और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ये देखिए आलू भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार हुई है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करें रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।